वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि जब अंग्रेजों ने अटैक किया, अंग्रेजों ने क्या किया यहाँ पे, जो इंडिया का है, आपको लॉर्ड मैकाले के बारे में पता है क्या? लॉर्ड मैकाले के बारे में क्या पता है आपको? और फिर वो जाके ब्रिटिश संसद में जाके बोले कि हमने भारत का कई साल 10 साल दौरा किया, हम भारत को नहीं बदल सकते, उनकी कल्चरली इतनी वो रिच है, पावरफुल है, हम यही कर सकते हैं कि अपनी कल्चर को वहां शिफ्ट कर दे, और वो उसमें जो है उसे शिफ्ट कर दे, वो हमारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, हमारी कहे के अनुसार चले, और वही किया ब्रिटिश सरकार ने। हाँ, तो लॉर्ड मैकाले जब आए तो बोले कि उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा, कि आई ट्रेवल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया बट आई डिडंट फाउंड वन सिंगल बेगर, एक गरीब आदमी मेरे को नहीं मिला। बिकॉज क्यों बोला गया ऐसे? क्यों? बिकॉज ऑफ द गुरुकुल सिस्टम। ये जो वैदिक नॉलेज पढ़ा रहे हैं दैट इज सो पावरफुल, नो बडी यू नो, एवरीबडी इज सेटिस्फाइड, एवरीबडी इज हैप्पी, सोने की चिड़िया बोलते थे, राइट? एंड सो क्या करना चाहिए, बोले क्या करना चाहिए, वी नीड टू कट दिस गुरुकुल सिस्टम, वी नीड टू कट दिस वैदिक, एंड उनको ये बताना है कि जो वेस्ट में हो रहा है वो बेस्ट है, जो वेस्ट में हो रहा है वो बेस्ट है, ये उनको बताना है। तो और इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आ गए, जैसे हम लोग कुछ 3 बजे डिस्कस कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि परिश्रम ही क्या परमेश्वर है, परिश्रम ही परमेश्वर है, ऐसे बोल दिया, भगवान बोले हैं ऐसे, भगवान ऐसे नहीं बोल रहे। वो वेस्ट अंग्रेज आके बोले कि अरे आप क्या कर रहे हो, वो बोले मेरा पहले क्या, लोग होते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग होते हैं, थोड़ा काम करते थे, एक जमीन होता था, गाय होता था, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग करके चलाते थे जीवन, जैसे ही हो जाता 3-4 घंटे काम करते थे, एंड देन दे यूज टू स्टडी रामायण भागवत गीता, सब एक टाइम था लोगों को सारा पूरा भगवत गीता याद था, राइट? सो देन व्हाट हैपेंड, तो फिर उन लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन जब लेके आए तो उन लोगों को बोला कि अरे हम लोग तो घर पे जा रहे हैं रामायण पढ़ने। नो नो, यू डोंट गो देयर, यू वर्क, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा, आप लोग आइए और काम करिए पूरा, वो टाइम से ट्रेंड और अभी भी वो वही चल रहा है। क्या कर्म ही पूजा है, कितना घंटे काम कर रहे हैं? 12 घंटे। कौन वर्किंग, कौन कौन कर रहा है? एनी बडी इज वर्किंग हेयर? कितना घंटे काम कर रहे हैं? 13 घंटे काम कर रहे हैं? 10 घंटे। व्हाट अबाउट यू ब्रो? 10-12 घंटे आप काम कर रहे हैं सी, और 12 घंटे बचे, 24 घंटे में से 12 घंटे आप काम कर रहे हैं, और 12 आवर्स बचे, 12 आवर्स में फिर क्या कर रहे हैं? खाना पीना सोना रहना, आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या कर रहे हैं? आपका जो ये जीवन मिला उसके लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, टाइम नहीं मिल रहा है, संडे छुट्टी मिल रहा है उसमें भी आपका टाइम चला। सो समझ रहे हैं, कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रभुपाद गए, वाई ही वेंट टू अमेरिका, बिकॉज इंडिया में कोई एग्री नहीं कर रहा है, दे थिंक कि वेस्ट इज दी बेस्ट। सो उनकी गुरु महाराज का आदेश था कि यू गो इन द वेस्ट बिकॉज यू आर इंग्लिश, यू आर यू नो गुड इंग्लिश, यू गो एंड प्रीच दिस नॉलेज ऑफ भगवद गीता इन द वेस्ट, इन द वेस्ट यू गो एंड देन यू ब्रिंग, वहां से जब आप यहाँ लोग लेके आएंगे देन दे विल स्टार्ट डूइंग। सो वॉट हैपेंड वेन प्रभुपाद वेंट 1965, ही रीच August 13, 1965 ही वेंट, एंड विद इन 37 डेज ही रीच इन अमेरिका। कैसे गए वो अमेरिका? शिप से गए। आप लोग लाइब्रेरी जा सकते हैं इसके बाद, क्लास के बाद। देर इज अ शिप, जल्दू था, प्रोटोटाइप है वो, बड़ा शिप नहीं है, छोटा वाला मॉडल, प्रोटोटाइप, राइट? सो दैट शिप यू कैन सी ओवर देयर। तो वो जल्दू कार, क्या शिप था वो? कार्गो, टाइटेनिक शिप नहीं था, इट वॉज ए कार्गो शिप जिसमें सामान जाते थे। तो एक बिजनेसमैन थी सुमति मुरारी, जो यहीं जुहू के पास रहती थी, उनका बंगला अभी भी है, वो बंगले में प्रभुपाद आए थे, एंड देन ही रिक्वेस्टेड हिम कि आई वॉन्ट टू गो, बट उन्होंने बोला कि सुमति मुरारी पहले डिसएग्री की, यू आर 70 ईयर्स ओल्ड, यू विल गो इन द शिप, 37 डेज इट विल टेक, यू विल डाई ऑफ हार्ट अटैक, सी सिकनेस हो जाएगा, सी सिकनेस हो जाएगा, होता है, कोई गया मरीन, कोई गया सी, ये हो जाते हैं। सो डिफिकल्ट है, राइट? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। देन विद इन 37 डेज देन ही शी एग्रीड, एंड देन प्रभुपाद वेंट ओवर देयर, विद इन 37 डेज ही रीच अमेरिका, एंड व्हेन ही रीच अमेरिका ही वाज हैविंग ओनली $7 विद हिम, एंड सम भागवतम सेट्स जो उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किए थे वो थे उनके पास, एंड विद दैट ही स्ट्रगल्ड देयर, he struggled there for 1 year because there was no, the culture was completely, what was going on over there, a hippie culture was going on. What was hippie culture? Ki jo youth the, youth over there were taking drugs and all. Why? Because the Vietnam War was going on, and that time the government kya karte the, wo jo youths hai unko test karke bhej dete the, war mein jaiye, aur unko army dikhana hai wahan pe, right?
तो उनको टेस्ट करके भेज देते. सो देवर ऑल की वी डोंट हैव एनी इंडिपेंडेंस, राइट? डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग है, समझ रहे हैं कि अभी भी डेवलप, हमें बहुत साल लग जाएंगे अमेरिका के सर में आने के लिए. नाउ ऑल्सो सो मेनी ईयर्स विल टेक. वन ऑफ द लेक्चर आई वॉज हियरिंग कि नाउ ऑल्सो दे आर डेवलप्ड ऑलरेडी एंड वी आर स्टिल डेवलपिंग. डेवलप कंट्री में ऐसे यूथ का हालत है दिखाई, तो हमारे इसका क्या, समझे? डेवलप कंट्री में दे हैव एवरी फैसिलिटी. क्या है आपके पास बताइए? वी डोंट हैव प्रॉपर, यू नो, रहने का जो मटेरियल फैसिलिटीज वेरी लिमिटेड. दे हैव ऑल द बेस्ट टॉप क्लास फैसिलिटीज, स्टिल दे वर टेकिंग ड्रग्स, स्टिल दे वर फीलिंग कि वी आर नॉट गिवन इंडिपेंडेंस. सो क्या हुआ? सो प्रभुपाद वो टाइम में एंटर किए वहाँ पे, एंड प्रभुपाद मिले उनसे, काफ़ी स्ट्रगल हुआ उनको समझाना, बिकॉज दे वर ऑल, दे डोंट नो हु इज कृष्णा, वॉट इज देयर. सो प्रभुपाद ने वहाँ पे एक पोएम भी लिखा, काफ़ी बहुत सुंदर पोएम, आप लोग पढ़ सकते हैं बाद में. देन उनको प्रभुपाद ने बोला कि आई विल गिव यू समथिंग विच विल कीप यू हाई फॉर एवर, दैट इज ए कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो वहाँ पे उन्होंने स्थापना किया 1966 में, एंड उसके करीबन 11 साल में प्रभुपाद ने अपने 11 साल में 108 मंदिर पूरे विश्व में बना दिए, 108 टेम्पल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसमें से ये एक मंदिर है. 1972 व्हेन ही केम बैक हियर इन जुहू, सो जुहू ही परचेज दिस लैंड. ये लैंड उन्होंने पहले देख के गए थे जब वो यहाँ से गए. सो ही परचेज दिस लैंड एंड उन्होंने श्री श्री राधा रसभरी विघ्नों की स्थापना की. आफ्टर कमिंग हियर द स्ट्रगल डजंट स्टॉप, स्ट्रगल स्टिल कंटिन्यूस. कमिंग हियर ऑल्सो कीर्तन वॉज हैपनिंग बट स्टिल नोबडी. रिसेंटली हम लोग सुन रहे थे, रिसेंटली एकादशी के दिन वी रीड द जू स्टोरी बुक. इसके ऊपर एक स्टोरी है, राइट? प्रभुपाद जी का स्टोरी. प्रभुपाद टोल्ड दैट टाइम प्रेसिडेंट गिरिराज स्वामी महाराज टू राइट अ बुक ऑन दिस स्ट्रगल. सो आई विल बिल्ड यूर टेम्पल, द जू स्टोरी करके वन बुक इज देयर. सो इन दैट बुक वी रीड एवरी एकादशी दैट. सो इन दैट जब कीर्तन हो रहा था तो पीपल वर टेलिंग कीर्तन न्यूसेंस, कंप्लेन कर दिया पुलिस को. They were not agreeing to make the temple. So, सारे foreign devotees को यहाँ लेके आए थे प्रभुपाद. And he started preaching here. ये जो temple बनाया है, all foreign devotees ने बनाया. Nobody was Indian that time. Very less. फिर उन लोग इनको देख के आने लगे. इनको देख के बोले, ये लोग कैसे कर रहे हैं? कृष्ण राम, हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं इतना enthusiastically. They don't know who is Krishna, who is Ram. बचपन से तो वहाँ कुछ बताया नहीं गया किसी को. But still so enthusiastically they started and preaching here. एंड somehow स्ट्रगल, लॉट ऑफ स्ट्रगल के बाद यहाँ पे ये स्थापना हुआ मंदिर का. कब हुआ? मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1978 को ये एस्टेब्लिश हुआ टेम्पल. 45 ईयर्स कम्प्लीट हो चुके हैं मंदिर को, करीबन 45 ईयर्स कम्प्लीट हो चुके हैं. सो दिस इज द टेम्पल वेर यू आर ड्यू. सो इट्स नॉट ऑर्डिनरी प्लेस, यू नो. बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, बट वेरी लेस पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोड ऑफ प्रभुपाद. Why he has created this temple? He created this temple, he made this temple for the pleasure of Sri Sri Radha Rasbhari, because he wanted it to be an institute where people can come and learn this knowledge. Don't be ignorant. Prabhupada, don't be ignorant. Try to learn Bhagavad Gita. Anybody will make you fool. Conversions ho rahe, right? So many pictures are being made. Usme bataya ja raha hai. Still we are not able to read. Still we are not purchasing Bhagavad Gita. स्टिल हम लोग के पास भगवद गीता नहीं, पढ़ना नहीं चाह रहे. सो मेनी क्लासेस इन एवरी टेम्पल ऑफ इस्कॉन, एवरी टेम्पल, वेर एवर यू गो, वी हैव सो मेनी क्लासेस, सो मेनी लेक्चर्स ऑफ प्रभुपाद यू कैन सी ऑनलाइन रिकॉर्डेड, यू कैन हियर एंड यू कैन फॉलो इन योर लाइफ. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ट्रेनिंग ऑन द स्क्रिप्चर्स. वेर यू विल गेट दिस ट्रेनिंग? आर यू गेटिंग इन द स्कूल्स? एनीबडी इज गेटिंग इन द कॉलेजेस? नोबडी इज गेटिंग. सो Prabhupada made this institute where, you know, you will get the association. So every week आपको यहाँ पे आना है. Every week आप लोग अपना काम करते हैं, study करते हैं बहुत लोग, but every week Saturday Sunday you come here and associate with the devotees here. Prabhupada ने यहाँ पे culture बनाया है जहाँ पे साधुज रहते हैं. You have to associate with them whenever you come Saturday Sunday. शास्त्रों में वर्णन है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए. जस्ट बाय अ मोमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ साधु, एवरीथिंग यू, द बेस्ट क्वालिटीज यू विल गेट जस्ट बाय सर्विंग देम, जस्ट बाय बीइंग इन देयर एसोसिएशन. जैसे हम बाहर जाते हैं किसी एक ऐसे आदमी के एसोसिएट में रहते हैं, उसके कैसे बुरे क्वालिटीज हमें आ जाते हैं, राइट? ऐसे एक फिलोसोफर बोलते हैं, यू आर एन एवरेज ऑफ फाइव पीपल यू लाइक टू एसोसिएट विद. यू आर लाइक ध्रुव प्रोग इज देयर. इफ आई वॉन्ट टू नो अबाउट हिम,
सो आई विल जस्ट नो अबाउट द फाइव पीपल होम ही इज एसोसिएटिंग विद, उनके बारे में जान लिया तो ये भी वही करते हैं, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. सो आउटसाइड यू विल नॉट गेट एनी एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, नथिंग यू विल गेट, गुड क्वालिटीज बहुत रेयर, नथिंग, बट इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज ओनली यू विल गेट. Because Prabhupada, because they are following the rules of Prabhupada. And when you come and associate with them, you will also develop that quality. When you serve them, you will also develop that quality. When you listen Bhagavatam, read Bhagavad Gita, be with them, you know, attend these lectures, do some service, you will also get that quality. And you will also be successful in your life. So, please try to come every Saturday and come. जैसे बहुत लोग पहली बार आए तो आप लोग आइए. हमारे रेगुलर लेक्चर्स हमारे कब होते हैं पता है आप लोगों को? सैटरडे संडे मॉर्निंग होते हैं. ये लेक्चर होता ही है 5 o'clock संडे मॉर्निंग 11:30 to 1:30 एंड 6 to 8 इन द इवनिंग वी डू लेक्चर्स ऑन हिंदी होता है सुबह एंड मॉर्निंग में इंग्लिश में होता है. सो बहुत टाइम्स यू कैन कम. मैनी पीपल आर स्टेइंग भाईंदर वैसे ही तो आप अपना टाइम लेके आ सकते हैं. वी कंडक्ट लेक्चर्स इन नाला सुपर ऑल्सो. Now the super also we conduct lectures. You can inquire about that after the class. Ki how if you want to go and attend there. वहाँ पे temple नहीं है but just एक center हमने चालू किया है. प्रयास है वो future will make a temple. But you can come anytime, you can come here. You will be in touch with devotees. Okay. So we'll start with something today. We'll read. So आप लोगों को basic understanding आ गया right? Why we are प्रभुपाद. हाँ तो प्रभुपाद के बारे में बताता हूँ. एनीबडी नोज अबाउट प्रभुपाद? यस 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 ब्रो. प्रयागराज से नहीं थे कुछ तो था फार्मेसी वहाँ पे था. हाँ हाँ और सो प्रभुपाद के बारे में बताता हूँ. इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिविदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जो है एक्चुअली भगवान क्या बोलते हैं? परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम. तो भगवान यहाँ पे अवतरित होते हैं, धर्म संस्थापनाथ है संभवामि योगे योगे. तो भगवान अवतरित होते हैं. कभी भगवान नहीं आते तो क्या आते हैं? उनके मैसेजेस आते हैं. हिज मैसेंजर्स कम एंड विल डेवलप समथिंग विच विल गिव एसोसिएशन टू हिज डिवोटीज. बहुत सारे भक्त लोग हैं तो भगवान नहीं आएंगे तो क्या होता है? उनके मैसेंजर्स को भेजते हैं. सो प्रभुपाद इज वन ऑफ हिज प्योर डिवोटीज जो यहाँ पे आए. एंड प्रभुपाद का जो जन्म हुआ 1 सितंबर 1896 में हुआ कलकत्ता में. तो प्रभुपाद कलकत्ता में जन्म लिए. बचपन से ही धार्मिक परिवार से थे और बचपन से ही वो रथ यात्रा अपने आंगन इधर एरिया में करते थे. तो रथ यात्रा कौन सा है? जगन्नाथ का रथ यात्रा. किया आप लोगों ने अटेंड? एनीबडी अटेंडेड? बोल लो व्हाई यू डिडंट अटेंड इट. क्यों? किसी को पता नहीं था राइट? बट व्हेन यू बी इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज यू विल नो. मेरे को भी नहीं पता था बट व्हेन डिवोटीज कॉल्ड मी दे टोल्ड मी कि रथ यात्रा इज देयर प्लीज कम. पूरी जगन्नाथपुरी गए हम लोग, वृंदावन गए. हमें क्या बताया गया है? अमेरिका, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया कि वही वृंदावन लेके गया आपको. बहुत लोग यूपी से हैं बट नेवर वेंट टू वृंदावन. बाजू में ही है मथुरा. नेवर वेंट टू वृंदावन, नेवर वेंट टू प्रयागराज. बहुत कम लोग गए. नेवर वेंट टू सो मेनी ब्यूटिफुल प्लेसेज आर देयर. उड़पी, हाँ, अहोबिलम, अयोध्या, इतने सारे प्लेसेज हैं. बद्रीनाथ, केदारनाथ, समझ रहे? तो सो मेनी. कैसे पता चलेगा? डिवोटीज बुलाएंगे. वी ऑल्सो कंडक्ट यात्रा. सो वन मोर यात्रा इज कमिंग अप ऑगस्ट में. 4 to 6 August वी विल बी टेकिंग यू ऑल टू पंडरपुर. Anybody knows Pandharpur? So Pandharpur, aap logo ko pata. So Pandharpur will be going and it is a weekend, Saturday, Sunday. So you all please come Pandharpur. Jo nahi gaye hain, will it's a very amazing year. 2 days, Saturday, Sunday. Anybody can come, right? Saturday, Sunday. Simple hai. We'll do drama, session, kirtan about the glory of the Dham. It's very important place. Very important place, very spiritually important place. So please, anybody interested, एवरीबडी शुड कम. वैसे तो प्लीज कम. ओके सो हमें क्या मतलब? तो प्रभुपाद बचपन से ही धार्मिक. उनके पिताजी भगवान के भक्त थे. पास ही में एक राधा कृष्ण के मंदिर था, वहाँ पे ही यूज टू गो रेगुलरली विजिटिंग. सो एंड उनके दृढ़ता और बड़ी. ही वॉज इन अ मोमेंट ऑफ महात्मा गांधी. वो इंस्पायर्ड थे उनके मूवमेंट से काफी. बट उनके गुरु महाराज से उनकी मुलाकात हुई 1922 में, जिसके बाद उनकी दृढ़ता बड़ी कृष्ण भावनामृत में.
उनके गुरु महाराज ने उनको फर्स्ट ही बार में बोल दिया, यू गो एंड प्रीच दिस नॉलेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इन इंग्लिश इन द वेस्ट वर्ल्ड. सो बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिपेंडेंस एनी वेज विल गेट, बट द स्प्रेडिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So then he met him 1932, 1933, 10 years after he got Diksha. Then after 32 years, he tried here. Prabhupada also tried here. Jhansi mein try kiya. League of Devotees khol diya tha almost. But there also he, kisi karanvash koi support nahi, anything. Dilli mein prayas kiya, bahut struggle hua Dilli mein. Prabhupada ek ek page baatte the. Aayye thoda Bhagwan ke baare mein padhiye. Back to Godhead magazine, ek ek page baatte the. Nobody supported. Vrindavan mein he used to live in Vrindavan, translate in Radha Damodar Mandir, he used to stay, translate Bhagavatam, Bhagavad Gita. Then he finally decided, unke Guru Maharaj ka bar bar unko sanket aa raha tha, go to America, go to the West world, go to the West world. Then finally he decided to go to the West and preach there. After, you know, 32 years he went, 1965, and then did it. You can read about Prabhupada, we have Prabhupada book here. है ना साहिल ब्रो? सो वी हैव प्रभुपाद कंडेंस्ड वर्जन बुक हियर, सो यू प्लीज रीड दैट. सो वी शुड रीड दिस बुक्स. यू नो हम लोग आजकल क्या पढ़ रहे हैं, वी रीड बाहर के कुछ फॉरेन राइटर्स होते हैं वो बुक पढ़ते हैं, उनके स्ट्रगल. यू नॉट गेट एनी इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट, टेम्पररी इंस्पिरेशन होगा. वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम सच आचार्यस, प्रभुपाद, ग्रेट ग्रेट यू नो लीडर्स ऑफ आवर इंडिया, शिवाजी महाराज, दैट इनसे हमें प्रेरणा मिली. अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, ऐसे ऐसे किसान हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, वी डोंट नो अबाउट देम, वी नो अबाउट रिसेंट एक्टर्स, एथलीट्स. व्हाट इंस्पिरेशन विल गेट, उनके पर्सनल लाइफ में जाएंगे, व्हाट दे आर डूइंग यू विल नॉट. बट आप बोलेंगे क्या है, कुछ ऐसे फेक दिख रहे हैं आपको सामने में, पीछे क्या है. सो वी शुड बी इंस्पायर्ड बाय द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन, नॉट व्हाट क्वालिटी हैज. कोई देखेंगे अच्छा ये गा रहा है, बस इंस्पायर, व्हाट कैरेक्टर ही हैज, what character is that, we have to see. We should be inspired by the character of the person, not ki wo kya kar raha hai. Getting the point? So Prabhupada ke bare mein tha. More you will get about Prabhupada in the book Lilamrit, expanded version Lilamrit hai. So his holiness Satsurup Goswami Maharaj ne likha hai pura, hindi mein bhi, english mein, you can read about him in the library. We have a very wonderful library, you can visit and read about him in the library. Okay, so this was about Prabhupada, about ISKCON Juhu, right? Now we'll hear about something from the book called Brahmachari in Krishna Consciousness. So Gurukul system, what was there in the Gurukul system earlier? Gurukul system was strong tha. Kya padhate the wahan pe? Shastra, Veda, ye sab sabse zyada Vedo ke bare mein padhte the, charo Vedo. So, शास्त्र पढ़ाए जाते थे वहां पे, शास्त्र. आज के डेट में कुछ पढ़ाया जा रहा है आप लोगों स्कूल में? क्या पढ़ाया जा रहा है? रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द बोर्ड. एक्चुअली दोस्त जिसने वो पोएम लिखा है उसको भी मतलब नहीं पता उसका, व्हाई ही रोट दैट, ही आल्सो डजंट नो. बट सो फ्रेंड्स, सो वी हैव टू यू नो understand what is happening. Okay, so foreign mein kya ho raha hai, you know what is happening in the foreign, they are teaching them shlokas. Big university has started reading, implementing Bhagavad Gita and reciting the children shlokas. Now still in India we are, you know, old Darwin theory bata rahe hain ki hum log bandaron se aaye hain, ye theory bhi bataya ja raha hai. Ye sab ban kar diya, ban kar diya sab bahar, nobody is teaching. Only in India we are teaching. No, nothing of the Bhagavad Gita, nothing. कुछ गवर्नमेंट ने अभी कुछ स्टेट में, गुजरात वगैरह में 6, 7, 8, 9 आगे लोगों को चालू किया भगवद गीता. सो स्टार्ट रीडिंग भगवद गीता फ्रेंड्स, जिसके पास नहीं है, टेक इट टूडे ओनली, टेक इट टूडे. वी हैव भगवद गीता, टेक इट एंड स्टार्ट रीडिंग इट एंड कमिंग फॉर, कम फॉर दिस क्लासेज रेगुलरली, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ योर लाइफ. यू नो टू डेज, टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. वॉट आर दोस? एक राइटर बोल रहे हैं, द डे वैन यू आर बॉर्न एंड द डे वैन यू नो वाई यू आर बॉर्न. Nobody knows why we are born. We are just running here and there. Nothing doing. Kuch pata nahi kya ho raha. Okay? Try to understand the scriptures. Then you will understand the purpose of life. Right? So we'll read from the ek section hai isme, training ke upar. We'll read training. Right? So Gurukul systems hote the o time mein. Gurukuls mein
ट्रेन किया जाता था लोगों को। चार आश्रम होते हैं, कितने लोगों को पता है? वर्ण आश्रम में चार वर्ण और चार आश्रम है, कितने लोगों को पता है चार आश्रम? आप लोग में से कोई? चार वर्ण है, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट वर्ण? हाँ, कौन कौन से? शूद्र। चार आश्रम कौन कौन से हैं? चार आश्रम, यस। ये चार आश्रम है और ये चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण मीन्स एजुकेटेड क्लास, टीचर्स गाइड करते हैं लोग। पहले क्या होता है, जो राजा होते हैं, दे शुड दे हैज अ गुरु, गुरु होता था। ही यूज्ड टू गाइड हिम, एनीथिंग दे यूज्ड टू टेल, गुरु से पूछ। आज कैसे होता है, हम ही खुद गुरु हैं, मैं ही गुरु हूँ, कोई गुरु नहीं। आज मैं ही हूँ सब, सबका मालिक मैं ही हूँ सब। तो ऐसे नहीं है, गुरु ब्राह्मण, देयर वाज अ क्वालिफाइड ब्राह्मणस हु यूज्ड टू गाइड देम हाउ टू लिव योर लाइफ, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। सो ब्राह्मण मतलब एजुकेटेड क्लास, क्षत्रिय वॉरियर्स होते थे, प्रोटेक्ट करते थे, प्रोटेक्टर्स। देन वी हैव वैश्यस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, राइट, जो बिजनेस संभालते हैं, बिजनेस क्लास। देन वी हैव शूद्र, लेबर क्लास बोलते हैं, जो सर्व करते हैं ये तीनों क्लास को, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण को, वो शूद्र होता है। तो ये चार है, और वर्ण है कौन से? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, राइट। तो ब्रह्मचारी क्या होता था, 5 से लेके 25 तक पीपल यूज टू बी इन ब्रह्मचारी आश्रम, राइट, दे यूज टू बी इन द ब्रह्मचारी आश्रम 5 से लेके 25। कहाँ होते थे? गुरुकुल में होते थे, वे दे यूज टू बी इन द गुरुकुल, यहाँ पे वो स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग लेते थे, राइट। उसके बाद 25 से 50 ग्रस्त आश्रम, 50 से 75 वानप्रस्थ, वानप्रस्थ मीन्स ग्रस्त आश्रम मीन्स मैरिड लाइफ, ओके, एंड देन वानप्रस्थ, वानप्रस्थ मतलब लीविंग द होम एंड मूविंग टुवर्ड्स द वन, वानप्रस्थ बोलते हैं, स्टार्ट विजिटिंग द होली प्लेसेस, लीविंग द अटैचमेंट ऑफ द होम एंड मूविंग टुवर्ड्स द गॉड, इंक्रीजिंग योर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। देन क्या होता था? संन्यास, 50 से 75 से आगे संन्यास हो, संन्यास मीन्स लीविंग द वर्ल्डली एक्टिविटीज, कंप्लीटली एंगेज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। सो ये चार आश्रम बनाए। सो वील बी स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रह्मचारी गुरुकुल। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू दिस ट्रेनिंग, ब्रह्मचारी ट्रेनिंग गुरुकुल? कहाँ पे? यहाँ पे कर अभी तक तो सब 25 के ऊपर भी हैं बहुत लोग, राइट। कब क्या डेट बताया मैंने? 5 से 25। अभी हम लोग 25 तक को पता नहीं हमें ब्रह्मचारी आश्रम के बारे में, तो क्या करते बहुत बेकार कंडीशन हो गया प्रो, वेरी टफ कंडीशन हो गया। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? आ गए हैं, जो भी टाइम में आ गए हैं, स्टार्ट, ओके, जो भी टाइम है, जो भी एज है, क्या है, स्टार्ट रीडिंग स्क्रिप्चर्स, गुरुकुल। सो प्रभुपाद की कृपा से हर टेम्पल में हमने गुरुकुल खोला है, राइट, एवरी टेम्पल वी आर ट्रेनिंग, लाइक हियर वी हैव 170 ब्रह्मचारीज, हियर दे आर ट्रेनिंग लेना है गुरुकुल में, और दे ट्रेनिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स, कैसे, हाउ टू लिव योर लाइफ स्पिरिचुअली, कैसे हमें अटेंड करना है प्रोग्राम्स, वो आप लोगों को पता चलेगा कि चुने हैं। सो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू एंटर एनी आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले हमें ट्रेनिंग होना चाहिए, कुछ कैसे हमें जीना है, वरना क्या गड़बड़ हो जाता है, संभाल नहीं पाते कुछ भी। वी कैन नॉट लिव आवर लाइफ विदाउट ट्रेनिंग, एनीथिंग ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, राइट। 10th में जाते हैं एग्जाम प्रिपेयर, ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, बड़े बड़े एथलीट ट्रेनिंग लेना पड़ता है, एवरीथिंग ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, विदाउट ट्रेनिंग वी कैन नॉट लिव एनीथिंग, वी हैव टू गेट ट्रेनिंग। सो वील रीड फ्रॉम द सेक्शन ट्रेनिंग, टू बिकम फ्री फ्रॉम मटीरियल डिजायर्स एंड फिक्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ट्रेनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट डिवोटी इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड, राइट। सो ट्रेनिंग अंडर अ गाइडेंस, राइट, आउटसाइड ऑल्सो वी गो, वी टेक ट्रेनिंग अंडर अ स्पेसिफिक पर्सन गाइडेंस, राइट, क्लासेस लगा देते हैं 10th के लिए, राइट, बड़े बड़े क्लासेस खुल गए हैं, 50,000 भरो ट्रेनिंग, पहले ऐसा नहीं होता था, फ्री ट्रेनिंग, नो एजुकेशन के लिए पैसे नहीं लेते थे,
क्या क्या चीज के लिए पैसे नहीं लेते थे पहले, फ्री होते थे वो, व्हाट ऑल थिंग्स वेर देयर जो फ्री होते थे पहले, एजुकेशन एक मैंने बता दिया, और हाँ नहीं आश्रम नहीं, वो तो उधर ही रहते थे ना, ट्रेनिंग, और क्या था, पानी तो फ्री, हाँ पानी तो फ्री, दवा फ्री था, लॉयर फ्री था, इसका कोई चार्ज नहीं था। आज की डेट में क्या क्या फ्री है, ये सब का चार्ज लग रहा है आज की डेट, एजुकेशन हाई हाई चार्जेस, डॉक्टर तो 50 लाख दो ऑपरेशन करता हूँ, 5 लाख दो, पैसे की पहली बात होती है, बाद में वकील का भी वैसे ही, राइट। आजकल फ्री क्या क्या दे दिया, उल्टा हो गया आज, पहले ये सब चार्ज लगते थे, पहले किसके मोबाइल में कॉल करने के चार्ज लगते थे, हाँ एवरीथिंग के चार्ज, नेट के चार्ज, नेट तो था ही नहीं, आजकल क्या है फ्री क्या कर दिया, कॉलिंग फ्री, अनलिमिटेड करो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कौन सा नेट अनलिमिटेड, क्या कर दिया अनलिमिटेड, और जो फ्री देना है वो चार्ज लगा दिया, जो नहीं देना है वो फ्री दे दिया, क्या हो रहा है, वी आर बिकमिंग मोर स्पॉइल्ड। इतना मेहनत हमें करना पड़ रहा है डॉक्टर का खर्चा करने के लिए, मेडिक्लेम लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, सी वेरी वे सिंपल हम समझ सकते हैं, क्या क्या फ्री दे दिया, अपने आप लोग देखिए, फ्री नेट है, फ्री कॉलिंग है, एवरीथिंग फ्री, पानी का भी चार्ज, जो फ्री था पानी का भी चार्ज लगा दें, पैक करके, अरे क्यों फ्री दे रहा हूँ, उनको कहाँ से आ रहे पानी, भगवान दे रहे पानी, आप थोड़ी बना के दे रहे हैं, अभी बिस्लरी का पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर गोइंग, तो ट्रेनिंग इज वेरी रिक्वायर्ड अंडर द एक्सपर्ट डिवोटी, एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट डिवोटी इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। ट्रेडिशनली therefore brahmacharis lived under the direct tutelage of their spiritual master, being surrendered to him and serving him as a menial servant under the strict regulation. to kya karte the wo time mein gurukul mein apne guru ke nirdeshan mein rehte the and unko seva karte the unke nirdesh humble tarike se seva. aaj kya hota hai school mein hum log jaate hain teacher ko bhi gali dete hain, hey dete hain ki nahi, marte mitti chal log engineering college mein स्कूल में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई अध्यापक आ रहा है कोई खड़ा भी नहीं हो रहा है, जा रहे हैं उसको कंधे में हाथ रख रहे हैं, सो मेनी, व्हाट इज दैट, दिस इज नॉट द ट्रेनिंग। टीचर है, टीचर का तो ट्रेनिंग, टीचर का तो आप ध्यान, नो ट्रेनिंग इज दैट। सो बीइंग सरेंडर टू हिम एंड सर्विंग हिम एज अ मीनियल सर्वेंट अंडर द स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, सी हरे कृष्ण। So brahmacharis would perform all kinds of menial services, would be
स्मैशिंग देखो, घर में भी पेरेंट्स बोल रहे हैं कुछ नहीं, बात नहीं सुन, टीचर्स का तो छोड़ ही दो, गिन ही रहे हैं, तो कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हमारा जो अहंकार है वो कैसे जाएगा। सो गुरुकुल में ट्रेनिंग दिया जाता था, छोटी से छोटी सेवा की जाती थी। आजकल हम देख रहे हैं झाड़ू मारना भी नहीं आ रहा, किसी को रूम में झाड़ू मारने में नहीं आ रहा, मारना नहीं चाहता। सिंपल मिलियन सेवा से होगा स्टार्ट, स्टार्ट विद द स्मॉल। घर में कितने लोग झाड़ू मारते हैं, बर्तन साफ करते हैं, अरे तो भाई तो अच्छे लोग हैं, ट्रेनिंग। सो वी शुड डू, आप लोग करते हैं तो और भी करिए, ऐसे नहीं कि बंद हो गया अभी। सो जो नहीं करते हैं वो करें, और जो कर रहे हो कंटिन्यू करें, कीप कंटिन्यूइंग वॉट, बिकॉज दिस विल नॉट इंक्रीज अवर फॉल्स ईगो, क्योंकि हमारा 2 मिनट में अहंकार आ जाता है, एंड अहंकार विल डिस्ट्रॉय अस, इट विल नॉट लीव अस, इट विल नॉट बी मेक अस सक्सेसफुल इन लाइफ। सो इसमें क्या होता था, ट्रेनिंग में क्या होता था, गुरु विल चैस्टाइज एंड विद नो क्वेश्चन ऑफ आर्ग्यूइंग, कंप्लीट ट्रेनिंग फॉर स्मैशिंग द फॉल्स ईगो, दिस इज अ प्रॉपर ट्रेनिंग टू स्मैश द फॉल्स ईगो। तो ऐसी ट्रेनिंग वो टाइम में दिया जाता था बचपन से। आगे, ऑल दो सच रिजिड डिसिप्लिन इज हार्डली पॉसिबल नाउ डेज, आवर मूवमेंट इज नेवर द लेस प्राइमरीली एजुकेशनल एंड इज मेंट टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, राइट। नाउ डेज सच रिजिड ट्रेनिंग इज नॉट पॉसिबल, प्रभुपाद बोल रहे हैं, रिजिड डिसिप्लिन इज नॉट पॉसिबल, आवर मूवमेंट इज नेवर द लेस प्राइमरीली एजुकेशनल एंड इज मेंट टू प्रोवाइड ट्रेनिंग। सो आवर मूवमेंट, प्रभुपाद बोल रहे हैं, वी आर मेंट टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द पीपल। प्रभुपाद यूज टू टेल कि एक भी अगर मैं प्योर डिवोटी बना दूं देन माई मूवमेंट इज सक्सेसफुल, एक भी। आई डोंट वॉन्ट मेनी स्टार्स, प्रभुपाद टोल्ड, आई वॉन्ट ओनली वन मून, एक व्यक्ति। आपको ऐसा कोई व्यक्ति समाज में मिल रहा है जो आपको गाइडेंस दे सकता है बिना अपने सेल्फिश, इसके लिए सेल्फिश एटीट्यूड से, सेल्फलेस एटीट्यूड से दे पा रहा है, कोई मिलेगा आपको, जाइए कोई पंडित के पास, भट जी के पास, पूजा करना है 5,000 दो, 10,000 दो, कुछ बता रहे हैं ये पूजा कर लो, 5,000 फ्री गाइडेंस, उसको खुद को नहीं आता क्या गाइडेंस देगा कलयुग में, दैट इज सिचुएशन। सो फ्रॉम वेयर विल गेट द गाइडेंस, सो प्रभुपाद का मूवमेंट क्या है, ही वॉन्टेड टू क्रिएट सच आइडियल पर्सन इन द सोसाइटी हु कैन गाइड द पीपल, एंड ही क्रिएटेड मैनी, आप लोगों को पता नहीं बट मैनी, यू विल नो बट मैनी ही हैज क्रिएटेड, नॉट इवन वन मून, ही हैज क्रिएटेड मैनी मून्स, ओके। सो प्रोवाइड ट्रेनिंग, कृष्ण कॉन्शियस ट्रेनिंग इज सो पावरफुल दैट इट क्विकली रेजेज इवन द मोस्ट फॉलन टू द पोजिशन ऑफ महात्मास एंड ग्रेट सोल्स। नाउ डेज वॉट वी आर ट्रेनिंग, वी आर ट्रेनिंग इन द स्कूल्स कॉलेजेस, क्या पढ़ा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं लोग, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, इलिसिट सेक्स कर रहे हैं, आर आर, राइट। सो इज दिस द ट्रेनिंग, इज दिस द ट्रेनिंग, वी आर, हम लोग बोल रहे हैं कि वी हैव बिकम हाई क्लास, सिविलाइज पर्सन, एडवांस, इज दिस द एडवांसमेंट, इज दिस द एडवांसमेंट, शराब पीना, मांसाहार करना, लड़की छेड़ना, उसको पकड़ के इधर, कुछ भी क्या चल रहा है, दिस इज द ट्रेनिंग विच वी आर टीचिंग इन द स्कूल्स कॉलेजेस, दिस इज अ क्लास ऑफ पीपल वी आर प्रिपेरिंग। सी आप लोग खुद देख लीजिए, आप लोग स्कूल कॉलेज में ये ट्रेनिंग हो रहा है, दिस इज अ क्लास ऑफ पीपल, बट प्रभुपाद सेड नो, दिस इज नॉट द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मीन्स क्रिएट अ हाई क्लास ब्राह्मण, वैष्णव, महात्मा लिखा है, ग्रेट सोल्स बनाना, क्वालिटीज होना चाहिए उनके अंदर, समझ रहे हैं। डू यू नो प्रभुपाद ने कुछ प्रिंसिपल सेट किए यहाँ पे, धर्म के 4 स्तंभ हैं, किसको पता है, नहीं ये नहीं, वो पुरुषार्थ, पुरुषार्थ है, धर्म के 4 पुरुषार्थ, धर्म के 4 स्तंभ है, एनीबडी नोज द 4 स्तंभ ऑफ धर्म, क्या क्या है 4, एनीबडी, लोग तो आ ही रहे हैं, एनीबडी, मोबाइल में नहीं देखना सी बताने, कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, एनीबडी हाँ बताए, आप बताए विशाल, ट्रूथफुलनेस, हाँ दया, हाँ और क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस, हाँ आपको तो आप बोल के नहीं रहे, फिर क्लीनलीनेस, ट्रूथफुलनेस, मर्सी एंड नहीं नहीं क्या है फोर्थ वाला, एनीबडी, हाँ ऑस्टेरिटी, क्या क्या है, ट्रूथफुलनेस, याद रहेगा सबको, सत्य बोलना, सत्यता, क्लीनलीनेस,
स्वच्छता अंदर से बाहर से, ऑस्टेरिटी तपस्या, कितने लोग कर पा रहे हैं तपस्या आज की डेट में, फास्टिंग एकादशी में करते हैं, कितने लोग करते हैं एकादशी? प्रभुपाद बोले इन कलयुग तपस्या इज वेरी लिटिल, वी आर नॉट गिविंग, प्रभुपाद टोल्ड जस्ट एकादशी व्रत, दैट टू ऐसे नहीं कि निर्जला करना है, वी हैव एकादशी, यू टेक एकादशी प्रसादम एंड डू द डिवोशनल सर्विस, सो एकादशी एंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग 4 o'clock, चैंटिंग 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, दिस इज ओनली तपस्या फॉर दिस एज ऑफ कलयुग, प्रभुपाद बोले सिंपल तपस्या, कितने लोग कर पा रहे हैं तपस्या? नहीं, फास्टिंग नहीं कर पाते, काबिलियत नहीं। तीस चौथा क्या है? मर्सी, दया, कितने लोग में दया? कलयुग का जब प्रारंभ हो रहा था तो ये तीनों स्तंभ तो थे ही नहीं, एक ही स्तंभ बचा था, ट्रूथफुलनेस, वो भी हम देख रहे हैं कि उतना नहीं है, धीरे धीरे करके इट इज गोइंग, बट स्टिल वन ओनली स्तंभ इज दैट ट्रूथफुलनेस। कलयुग का जब प्रारंभ होता है, परीक्षित महाराज भागवतम में एक प्रसंग आता है, उसमें आपको पता चलेगा, एक बुल रहता है, उसके चार तीन पैर एक ही पैर में खड़ा रहता है, ट्रूथफुलनेस एक ही स्तंभ। सो ये इसके ऊपर बेसिस पे प्रभुपाद ने चार नियम बनाए जो हमें यहाँ पे फॉलो करना है। तो प्रभुपाद ने क्या बोला है, 16 राउंड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र का जब बोला गया, एंड चार नियम पालन करने बोले। किस किस को पता है चार नियम के बारे में? प्रभुपाद ने जो बताया इन, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ही बताया, यही नहीं बताया, ये बाहर भी बताया प्रभुपाद। क्या क्या है वो चार नियम? नो मीट ईटिंग, मीटिंग मतलब अंडा खा सकते हैं क्या? एनीबॉडी? अंडा वेज है ना? सुनो आजकल ऐसे अंडा क्या है, वेज है ना, ऐसे बोलते हैं ना लोग। सो नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग बोला, जुआ नहीं खेलना, नो इलिसिट सेक्स, आजकल हम क्या करें, शादीशुदा है तो भी इलिसिट अफेयर्स, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं करना। तो दीज आर द 4 जो पिलर्स हैं, उसी के बेसिस पे ये चार नियम बताए। तो प्रभुपाद ने बोले ये जो चार नियम हैं ये आपको मनुष्य बनाएंगे, भक्ति का प्रारंभ नहीं हो रहा है, दिस विल मेक यू अ ह्यूमन बीइंग, नो भक्ति अभी तो चालू भी नहीं हुआ है, फर्स्ट यू बिकम अ ह्यूमन बीइंग। व्हेन प्रभुपाद इन अमेरिका टोल्ड दिस, वो बोले अरे ऐसे कैसे जिएंगे हम लोग, नॉट पॉसिबल, चेंज करो रूल। प्रभुपाद ने नहीं, दिस इज द बेसिक, वी शुड फॉलो दिस 4 रूल्स, देन ओनली वी कैन स्टार्ट भक्ति। सो दिस 4 रूल्स टू बिकम अ ह्यूमन बीइंग, भक्ति तो बहुत दूर की बात है, फर्स्ट बिकम अ ह्यूमन बीइंग बाय फॉलोइंग दी, याद रहेगा आप लोगों को, बताइए आप, नो मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, अवैध संग नहीं रखना, और जुआ नहीं खेलना। तो चार नियम याद रहेंगे सबको, ट्राई टू फॉलो इट इन योर लाइफ, राइट, देन आगे का हम बात करेंगे भक्ति का, ठीक है? सो दिस ट्रेनिंग, दिस विल मेक यू अ प्रॉपर ह्यूमन बीइंग, देन यू कैन अंडरस्टैंड समथिंग। फॉर प्रैक्टिसिंग भक्ति यू हैव टू बिकम सिनलेस, देन ओनली यू कैन स्टार्ट भक्ति। With sin, ये activities करेंगे, you will still remain sinful. कोई taste नहीं आएगा भक्ति में, मंदिर आने का ये नहीं होगा कुछ। First try to follow these 4 regulatory principles. Start chanting. सबने chant किए नीचे जो पहली बार आए, if नहीं किया you chant. नहीं आप लोग chant किए, take the beads from here. We have beads and bead bags. Start chanting Hare Krishna Mahamantra. Best way to come out of this, follow these 4 is chanting. When you start chanting, धीरे धीरे all you will overcome all this, you will eventually follow all these 4 regulatory principles. Start chanting, it will purify you, right? So start chanting Hare Krishna Mahamantra. Kya hai Hare Krishna Mahamantra? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So our movement is to create top class Brahmanas, right? So this only will do. Next will do later on. Any questions are there, friends? आप लोग first time आए हैं. So any questions, basics, anything you want to ask? Any questions, friend?